हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आपण स्वागत करमर चैनल रे। देखो फ्रेंड्स वर्तमान अपडेट ओडिशा पब्लिक सर्विस कमिशन तरफ बहुत बढ़िया निजुक्ति सुजोग ओडिशा भाई और भौणी मानों पर 177 गोटी पदवीर वैकेंसी सुजोग जहाँकि आपण नहीं आसी। ते फ्रेंड्स यार शेष तारीख रही मे 5 तारीख 4 एप्रिल टू आपार फर्म को अप्लाय करें। कौन रही क्वालिफिकेशन कौन रही इलिजिबिलिटी कंडीशन एज सिलेक्शन कौन रही सिलेक्शन प्रोसीजर कौन रही संपूर्ण सूचना को वीडियो माध्यम रे आपण मानक सहित शेयर करेंगे। तेणुक वीडियो को शेष जाए देखिए कहीं ओडिशार प्रत्येक जिलार भाई भौणी माने ए फॉर्म को अप्लाय करेंगे। ताल तो डिटेल्स अपडेट जानिबा निश्चित रूपे आवश्यकता रही है। तेज डिटेल्स अपडेट जा सारापर ही आपने फॉर्म को अप्लाय करना उचित अटे। आपण मानक वीडियो माध्यम संपूर्ण सूचना जनइबे। तो फ्रेंड्स वीडियो को प्रथम लाइक करनी सांग सहित सेयार करने को जमार भूलं ना। चैनल को प्रथम थर विजिट करते चैनल को सब्सक्राइब करनी नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करके ऑल रे सेट करूँ। टाइम टू टाइम गुरुत्वपूर्ण अपडेट आपण मैंने आमर यही चैनल जरिए पारे। एस वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल लिंक को क्लिक करके टेलीग्राम जॉइन करूँ नचे व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन करूँ जो आपण मैंने इनस्टांट नोटिफिकेशन पारे। जिते बारे कौन अपडेट दौचु प्रथम टेलीग्राम और व्हाट्सएप सेयार करूँ आप जॉइन करते इनस्टांट नोटिफिकेशन पारे। तेज चलतु आज वीडियो को आरंभ करवा डिटेल्स जाना ओडिशा पब्लिक सर्विस कमिशन तरफ ये जो 177 गोटी पदवी रही तार सब कौन सब कंडीशन रही क्राइटेरिया रही से सब विषय। तेज सर्वप्रथम आपण ऑफिशियल नोटिफिकेशन टी देखे रखी जोटा कि आपठी अनाउंसमेंट कर डिटेल्स अपडेट मेंशन कर देखार अच्छी। जदि आप चाहूँ जानतु ये आपर 4/4/2022 टू आरंभ करी 4/5/2022 पर्यंत यार फर्म को अप्लाय करेंगे। ये जो पोस्टर ना रही पदवी में आपर वैकेंसी आ 44,900 टाँग पाखापाखि दरमा मिली जहाँकि आपर ऑफिशियल साइट माध्यम से आप डिटेल्स जनई रखुच्छी। तेज देखो फ्रेंड्स रिक्रुटमेंट अपडेट अनुसार ओडिशा पब्लिक सर्विस कमिशन तरफ असिस्टेंट फिशर्स ऑफिसर बा ग्रुप बी पदवी आपको निजुक्ति 177 गोटी पोस्ट वैकेंसी आपको 44,900 टंका पर मंथ दरमा एथिरे देखा मिलूँ। तेबे एही फॉर्म को अप्लाई करिया को ले कैंडिडेटर इलिजिबिलिटी कंडीशन कौन रहिबा आवश्यक रहौछि। जदि आपण माने बैचलर डिग्री हासिल करछन्ती फिशरी साइंस रे ताहाले निश्चिंत रूपे याकु अप्लाई करि परिबे। एठी 21 वर्ष रु 38 वर्ष पर्यंत पिला आवेदन करि परिबे अर्थात 2/1/1984 रु आरंभ करकी 1/1/2001 भितरे जन्म ग्रहण करतिया पिला माने याकु निश्चिंत रूपे अप्लाई करि परिबे। एठी एज रिलैक्सेशन रहिछि एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी रो पिला मान पई गवर्नमेंट रूल अनुसार जेमिति एज रिलैक्स रही था सही भाई एज रिलैक्सेशन एटी देखा मिलूँ। यह ऑल ओडिशा रो कैंडिडेट समस्त अप्लाय करेंगे बोथ मेल एंड फीमेल यहाँ आवेदन करेंगे बास इलिजिबिलिटी कंडीशन भितर बिलंगस करते निश्चित रूपे अप्लाय करनी फॉर्म टी ऑनलाइन प्रोसेस रे अप्लाय करेंगे। ऑनलाइन रे आवेदन कला बेले किसी आप्लिकेसन फिज आवश्यकता रही है। जदि आम देखा जेनेल और ओबीसी कैटेगोरी पिला 500 टंका आप्लिकेसन फिज किंतु एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगोरी पिला कौन सी आप्लिकेसन फिज लगूना आपने मगणारे यहाँ आप्लाय करेंगे। तेज जेनेल और ओबीसी कैटेगोरी पिला जो पेमेंट फिज को डिपोजिट करेंगे ऑनलाइन माध्यम से डिपोजिट करेंगे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड इंटरनेट बैंकिंग थ्रू आपर पेमेंट को पैठ करेंगे। तेज एटी जो रिटर्न एग्जाम सिलेक्शन प्रोसीजर बिलंगस कर रिटर्न एग्जाम केवल रिटर्न एग्जाम आपर सिलेक्शन जहाँकि आपर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन कर। तेज देखो फ्रेंड्स डिटेल्स अपडेट रे कह रखी नोटिफिकेशन टी आपर 29/3/2022 ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर जोटा कि ऑनलाइन स्टार्ट होची पुणी थर कहूँ 4/4/2022 रु एथरे पेमेंट डिपोजिट मध्य 4/4/2022 रु आरंभ हो 4/5/2022 आपर अप्लाय ऑनलाइन रो शेष तारीख रही मे मास ठीक अच्छे मे मस 4 सुधा आपने फर्म को अप्लाय करेंगे जहाँकि डिटेल्स मेंशन कर 4/5/2022 सुधा भी आपर पेमेंट को डिपोजिट करेंगे। तेज देखो फ्रेंड जदि पेमेंट डिपोजिट करदे कि सबमिशन करें तो लास्ट डेट रोच 11/5/2022 अर्थात कह गए आपड़ी रजिस्ट्रेशन करदे और पेमेंट डिपोजिट करना रजिस्ट्रेशन तो सिंपली करदे कि फर्म पकड़ चाहते 11/5/2022 पूर्व फर्म पकई पारे कि रजिस्ट्रेशन केवल लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन रो 4/5/2022 आई मैंने जो पिला 4/5/2022 पर रजिस्ट्रेशन करने को चाहिए से फर्म पकई पारे ना। जदि 4/5/2022 पूर्व रजिस्ट्रेशन करेंगे तो 11/5/2022 सुधा फर्म
ପକେଇପାରିବେ। ତେବେ ଆପ୍ଲାଏ ଅନଲାଇନ୍ର ଲିଙ୍କ ମୁଁ 4/4/2022 ଏଠି ମେନସନ୍ କରିନେବି, ଯେଉଁଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଠି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଲିଙ୍କ ରହିଛି, ଯାହା ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ରଖିଥିଲି ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି, ସେଇ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଏଠୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ଅଫିସିଆଲ୍ ସାଇଟ୍ ବା ଓଡ଼ିଶା ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକି। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟସ୍ତତା ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍, ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ଯେଉଁଟାକି www.naukri.in ନାମକ ଏକ ଅଫିସିଆଲି ୱେବସାଇଟ୍ ଓପନ୍ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର୍ କରାଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଗୁଗୁଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ସାଇଟ୍ www.naukri.in ଏଠିକି ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜବ୍ର ସଠିକ୍ ଜାନକାରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଜଣାଇ ରଖିଲି ଓଡ଼ିଶା ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନ ତରଫରୁ ଆସିଥିବା 177 ଫିସରୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପଦବୀର ନିଯୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ସୂଚନାରେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ବି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତାର ରିପ୍ଲାଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରାଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କର ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ଆମକୁ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଅପଡ଼େଟ୍ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଉଛୁ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ଅଫିସିଆଲ୍ ସାଇଟ୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଇବା ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆମେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜବ୍ର ଅପଡ଼େଟ୍ ପ୍ରତିଦିନ ଯୋଗାଇ ଦେବୁ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ କିଛି ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରାଯିବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।